guys, my name is Shubhra and welcome back to my channel. I am presently at the Jim Corbett National Park और ये इंडिया के पहले नेशनल पार्क में से एक है. यहाँ पे पॉपुलर है टाइगर स्पॉटिंग और बहुत सारे जानवर, और आज हम इस वीडियो में वही करेंगे एक्सप्लोर. तो दिल्ली से आते आते हमको तकरीबन 6 घंटे लग गए, और अभी लंच टाइम हो गया है एंड वी आर जस्ट हेडिंग टू हैव अ क्विक लंच. और यहाँ पे होटल के आसपास एक पूरी लेन बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, और हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स टू केटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ विजिटर्स. From luxurious accommodation to budget-friendly options, यहाँ पर सब कुछ मौजूद. So, हम दिल्ली से निकले थे सुबह 7 बजे और हम उत्तराखंड के रामनगर के एक शहर में आए हैं जहाँ से जिम कॉर्बेट की सफारी शुरू होती है. हमने यहाँ पे एक होटल बुक किया है और ये होटल ऐसा दिखता है. अगर वाइल्ड लाइफ के अलावा आपको खाने का भी शौक है तो जिम कॉर्बेट में आप मायूस नहीं होंगे. इस स्ट्रीट पर आप जितना चलते जाएंगे उतने कैफेज पाएंगे जहां पर स्नैक्स, मील्स, ड्रिंक्स सब कुछ मौजूद है. यहां पर आपको एम्बियंस के साथ हर तरीके का कुजीन मिलेगा जो आपके वेकेशन को और भी सुकून से भर देगा. गुड मॉर्निंग गाइज एंड दिस इज अ न्यू डे. आज हम जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और हम करेंगे यहाँ पे एनिमल सफारी. देखते हैं कौन कौन से जानवर हमको मिलते हैं. वैसे ये पार्क में टाइगर स्पॉटिंग होती है और इसीलिए लोग यहाँ पे दूर दूर से घूमने आते हैं, और ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क में से एक है, इसलिए ये बेहद पॉपुलर भी है. मेरे पीछे बह रही है कोसी रिवर, और ये अभी क्योंकि समर सीजन शुरू होने वाला है इसलिए पानी का लेवल थोड़ा कम है, बट मॉनसून में यहाँ पे पानी लबालब भरा रहता है. जस्ट चेक आउट. सो हमारी फाइनली हम अब सफारी के लिए जा रहे हैं. हमारी गाड़ी आ गई है. सो ये इस तरीके की जिप्सी होती है जो 6 सीटर होती है, 6 लोगों को आराम से बिठा के ले जा सकती है. अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करेंगे तो सफारी का कॉस्ट आता है कुछ 5,000 रुपीज के आसपास, जिसमें परमिट्स और जिप्सी का कॉस्ट इंक्लूडेड है. तो हमने क्या किया है, हमने होटल वाले को ही बोला एंड ही इज चार्जिंग अस 6,000 रुपीज फॉर 4 पीपल. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई जोन्स में बटा हुआ है और यहाँ पर सफारी इन जोन्स के हिसाब से ही होती है. ये सफारी दिन में 2 बार होती है, एक सुबह और दूसरी दोपहर में. ये सफारी 2 से 3 घंटे की होती है. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को खतरा ना हो इसलिए विजिटर्स को काफ़ी नियमों का पालन करना होता है. इस सफारी में सब लोग टाइगर स्पॉटिंग के लिए आते हैं. उसमें से एक पार्ट आप विजिट कर रहे हैं, 5 पार्ट इसके और
फ्लोरा एंड फौना हर पार्ट में सेम होता है, एनिमल और बॉटनी का। एनिमल भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आता जाता रहता है। देखो जिस जंगल को हम घूमने जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है, कई स्पीसीज के ट्रीज, कई स्पीसीज के एनिमल्स। सो अभी हम आ गए हैं सफारी के लिए अंदर, और हमें अभी बहुत सारे डियर्स दिखे, पूरे गुच्छे के साथ यहाँ पे दिखे, पानी पी रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। वेरी नाइस, वेदर बहुत अच्छा है तो अच्छा लग रहा है बहुत। वो जैसे वो जो लोग निकालते हैं कुछ से। और हम अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं टाइगर दिखता है कि सो फ्रेंड्स, हमारी सफारी हो गई है और तकरीबन कुछ 3 घंटे की ये सफारी होती है। हमने बहुत सारे जानवर देखे, लकीली एक बहुत खूबसूरत हाथी भी देखा, एंड वेल वी हैव रिटर्न्ड। क्योंकि हो गया था चाय टाइम, इसलिए हम आए हैं एक छोटे से कैफे में। यहाँ पर चाय और गरम गरम पकौड़ों के साथ बस मज़ा आ गया। हमारा एक्साइटिंग डे और भी एक्साइटिंग हो गया है। हमने अपने आप को रूम से लॉकआउट कर दिया है। एक्चुअली सुबह से हमारे रूम के लॉक में कुछ प्रॉब्लम थी और अब वो रूम खुल ही नहीं रहा है चाबी से, एंड वी आर बेसिकली लॉकआउट। और मेरे साथ जो मेरे 2 फ्रेंड्स आए हैं, उनकी चाबी भी हमारे कमरे के अंदर है। सो तो बेसिकली हम चारों ही लॉकआउट हो गए हैं, और अभी होटल स्टाफ इधर उधर भाग रहा है और देख रहा है कि क्या कर सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10 बज रहे हैं रात के। So let's see what's going to happen. भैया अगर लैश तोड़ रहे हैं? लैश टूट जाए तो? कोशिश कर रहे हैं। फाइनली होटल स्टाफ ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पीछे बालकनी से लॉक खोला और अंदर का गेट खोल दिया है, एंड वी आर इनसाइड। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।